बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे अहबाब। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे खुश नसीब शख्स का क्लिप है जिसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने एक ऐसी मौत अता फरमाई जिस मौत की ख्वाहिश तकरीबन हर एक मुसलमान के मन में, उसके दिल में होती है। दोस्तों, हम बहुत ही गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ऐसी है जो कि हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करे, और वह है मुआफ़ी, वह है मग़फ़िरत, वो है खुदाए बुजुर्गो बरतर का कुर्ब। क्योंकि इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलमे पर यकीन रखता है तो यकीनी तौर पे वो ये चाहता होगा कि अल्लाह पाक की जात से बात करते हुए वो इस दुनिया से चला जाए। और हजरत अली के कॉल के मुताबिक, खुदा से बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग नमाज पढ़िए, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे तो कुरान पढ़िए। दोस्तों, की जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये बुजुर्ग आपको मस्जिद के अंदर टहलते हुए नजर आते हैं, जो पहले तो मस्जिद के अंदर इधर उधर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर ये दो रकात नमाज नियत करते हैं। अब पता नहीं ये नफल पढ़ रहे थे, फर्ज पढ़ रहे थे या सुन्नत पढ़ रहे थे। इन्होंने ये नियत करके जैसे ही सलाम फेरा, यानी दो रकात पूरी करके सलाम फेरा, तो अचानक इन्हें हार्ट अटैक हुआ और ये सजदे की हालत में मस्जिद के अंदर ही अपना दम तोड़ गए, और जान जहां ने आफरीन के सपोर्ट कर दी। यार दोस्तों, आप ही क्लिप देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए कि आप ऐसी मौत चाहेंगे या नहीं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये क्लिप। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।